हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। ये जो आपका टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको फिगर ऑफ स्पीच, ये चार नंबर आपका कवर करता है, यानी कि आपको एग्जाम में चार नंबर दे सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन क्या देगा कि आपको पोएम दिया रहेगा और कहेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। या फिर आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पूछ देगा कि व्हाट इज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, गिव एग्जांपल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि चार नंबर आपका कवर करता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है, तो आप हिंदी में पढ़े होंगे कि अलंकार वे शब्द होते हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको ये नहीं पूछेगा कि फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन दीजिए, ऐसा नहीं होगा। बस आप समझ लीजिए कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, वे शब्द जो काव्य की शोभा को बढ़ाएं उन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है कि इसमें कंपेरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में कई जगह कि कृष्ण जी की आँखें कमल के समान होती हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा, कृष्ण जी की आँखों की तुलना कमल के फूल के समान की गई है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो वही सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो आइए अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। आप इसमें लिखेंगे, ए सिमिली इज एन एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब ए पर्सन आर थिंग एज बींग सिमिलर टू समवन आर समथिंग एल्स। यानी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति और वस्तु की तुलना एक उसी के समान दूसरे वस्तु से करता है। यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। और हम पहचानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए जब कोई पोएम दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसे हम पहचानेंगे कैसे, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। तो समझिए उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। सिमिली इज जस्ट अ वर्ड लाइक और एज टू ड्रॉ ए कंपेरिजन। यानी जब भी आपका ऐसा कोई वर्ड देगा तो आपको क्या करेगा, उसमें लाइक दिया रहेगा या फिर एज दिया रहेगा। यानी जहाँ भी आपको पोएम में लाइक और एज दिख जाए, या फिर लाइक दिख जाए या फिर एज दिख जाए, तो वहाँ पे आप चुपचाप से सिमिली फिगर ऑफ स्पीच लिख देंगे, यानी वो आपका क्या हो जाएगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका एग्जाम्पल। आप जैसे पहले एग्जाम्पल इसमें हमारा, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जो जीवन है एक सपने की तरह है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आया, लाइक आया तो हम क्या लिख देंगे, आप मैंने बताया मैंने आपको कि जहाँ पर भी लाइक आ जाए या फिर एज आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। जीवन की तुलना किससे की जा रही है, सपने से की जा रही है, कि जो लाइफ है वो कैसा है, एक सपने की तरह है। लाइक आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट फेल्ट एज लाइट एज फीलर। यानी एग्जाम हो जाने के बाद जो लड़के होते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करते हैं, जैसे पंख होते हैं उसके समान क्या करते हैं, बहुत ही लाइट फील करते हैं। यहाँ पे क्या आया, एज आया। मैंने बताया आपको कि जहाँ पर भी एज आ जाए या फिर लाइक आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर एज आया, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है और एग्जाम्पल भी आपको देना होगा, इसलिए आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर, यानी कि इसे हम बोलते हैं रूपक अलंकार। ये क्या होता है, तो समझिए फ्रेंड्स, इसमें आप लिखेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग आर ट्रीटेड एज द सेम थिंग। यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में दो अलग अलग वस्तुओं को हम बताएंगे कि दोनों एक ही चीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोल देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो पीएम नरेंद्र मोदी है भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिसमें हम नरेंद्र मोदी की तुलना प्रधानमंत्री से कर नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें हम उनकी तुलना नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग वस्तुओं को हम एक जैसा ट्रीट करेंगे, ट्रीट एज द सेम थिंग, दो अलग अलग चीज़ों को हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हम। इसमें लाइफ इज ड्रीम, यानी जीवन एक सपना है। आप इसमें देख सकते हैं पिछले वाला एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। उसमें हमने जीवन की तुलना की थी, लाइक लगाया था, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं कि जीवन एक सपना ही है, हम उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से आपका एग्जाम्पल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास है वो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। हम यहाँ पर कालिदास की तुलना शेक्सपियर से नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कालिदास जी वो भारत के शेक्सपियर हैं, इसमें हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। एक मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि सिमली है या मेटाफोर है।
तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर कहीं भी अगर एज या फिर लाइक है तो वहाँ पे तो सिमिली हो जाएगा, और अगर कहीं भी एज या लाइक ना आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफोर आ जाएगा, यानी एज लाइक आए तो सिमिली, ना आए तो मेटाफोर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। इसमें क्या होता है कि हम चीज़ों और वस्तुओं को हम दर्शाते हैं, कोई भी वस्तु जैसे पेन है उसको हम दर्शाएंगे कि क्या है, एक पर्सन है, कोई एक सही मतलब जिंदा इंसान है, इसको हम उस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। तो अब समझिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम इसको पहले। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू एन एनिमिनेट ऑब्जेक्ट आइडिया और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में हम क्या करेंगे, किसी भी इनिमिनेट वस्तु यानी किसी भी काल्पनिक चीज़ को, आइडिया को या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बताएंगे कि उसको कैसे देंगे, उसको हम बताएंगे कि उसमें इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है। अब समझिए कि इंटेलिजेंस किस में होती है, पर्सनालिटी किस में होती है, ह्यूमन बींग में। यानी कि हम किसी भी काल्पनिक चीज़ को, आइडिया को या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये बताएंगे कि वो एक जीता जागता इंसान है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देंगे कि पेन चल रहा है, अब पेन के हाथ पैर थोड़ा लगेंगे चल रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि पेन चल रहा है, पेन चल रहा है, पेन दौड़ रहा है, पेन के हाथ पैर तो लगे नहीं है कि दौड़ेगा ये, नहीं, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन बींग की तरह हम इसको बता रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, इसको पर्सनालिटी दे रहे हैं कि दौड़ रहा है फिर चल रहा है। एग्जाम्पल्स आपको चीज़ें और क्लियर होगी, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो फ्रेंड्स इसमें पहला एग्जाम्पल है द फायर स्वालोड द इंटायर फॉरेस्ट, यानी जो आग है वो पूरे जंगल को निगल गई। अब ये समझिए कि आग कोई मतलब इंसान तो ना है कि हर चीज़ों को निगल जाएगी, वो तो इंसान तो है नहीं, हमने तो माना है ना कि जो फायर को हमने क्या माना, क्योंकि एक इनिमिनेट ऑब्जेक्ट है जिसको हम मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं हम कि जो फायर है, जो आग है वो पूरे जंगल को निगल जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो एक इंसान है और सच में हर चीज़ को निगल जाएगी, नहीं, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा हम उसका आग का क्या कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं। इसके बाद से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका हु यू शुड बी वर्किंग हार्ड अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। यानी कि अगर आप कठिन मेहनत करोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो जो अवसर है वो आपके दरवाजे पे आकर खुद दस्तक देगी। अब ये बताइए कि जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वो कि इंसान तो है नहीं, ऐसा तो है ना कि वो आगे कहेगी कि हेलो मैं अपॉर्चुनिटी हूँ, मैं आपकी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ, नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो होगा क्या, ये हमने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी को एक इनिमिनेट ऑब्जेक्ट माना है, एक आइडिया है, एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, उसको एक पर्सनैलिटी दे रहे हैं, उसको एक इंटेलिजेंस दे रहे हैं हम, उसको हम एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि वो क्या है, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका मानवीकरण कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी अगर हम मेहनत हार्ड अगर हम वर्क हार्ड करेंगे तो जो अवसर है वो खुद हमारे दरवाजे पे आएगी और नॉक करेगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा, कोई इंसान थोड़ा ना है कि आके नॉक करेगी कि हेलो हम आ गए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट था हमें कमेंट करें। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है लव इज़ ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। अब प्यार कोई इंसान तो है नहीं कि वो अंधा होगा, गूंगा होगा, बहरा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हम क्या कर रहे हैं, जो लव है आपका वो क्या है, एक तरह का ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम मान रहे हैं कि जो लव है वो अंधा होता है, प्यार जो है वो अंधा होता है। अब ऐसा है नहीं, अब हमें क्या पता कि प्यार कैसा होता है, हाँ कोई इंसान तो है नहीं कि अंधा गूंगा बहरा होगा, लेकिन हम मान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लव का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, यानी प्यार का मानवीकरण कर रहे हैं कि प्यार कैसा होता है, अंधा होता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी, यानी कि संबोधन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को संबोधित करते हैं। तो समझिए इसका पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका। एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस समवन दैट इज नॉट प्रेजेंट और कैनॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी। यानी कि एस्ट्रोफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसा अलंकार है जिसमें हम किसी चीज़ को डायरेक्ट क्या करते हैं, उसे एड्रेस करते हैं, फिर डायरेक्ट उसे बुलाते हैं, बल्कि उस चीज़ को बुलाते हैं जो वास्तव में प्रेजेंट नहीं है, वो वास्तव में रियलिटी में वो नहीं है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, बुलाते हैं, उसको हम एड्रेस करते हैं। वो कौन सी चीज़ होंगी जिन्हें हम बुलाएंगे, तो वो समझिए वो होंगी द एंटिटी बिगम एड्रेस्ड कैन बी डेड और इमेजिनरी पर्सन इनिमिनेट ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यानी कि इसमें हम किन चीज़ को एड्रेस करेंगे, मौत को, हम कहेंगे हे मौत आ जाओ। अब मौत को फुआ का लड़का ढूंढना है कि आ जाएगा, या और इमेजिनरी पर्सन, या फिर ऐसे लोगों की कल्पना करेंगे, ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो वास्तव में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब हम बोल दें कि डायनासोर आ जाए, डायनासोर अभी एग्जिस्ट थोड़ा ना करते, हम क्या करें, इमेजिंग कर रहे हैं, इनिमिनेट ऑब्जेक्ट, कल्पना, कोई काल्पनिक हमारे ख्वाबों में है तो उसको हम इनिमिनेट कर रहे हैं, उसको हम संबोधित करेंगे, वास्तव में आएगा नहीं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनिमिनेट कर रहे हैं, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आप जानते ही हैं,
ऑब्स्ट्रक्ट आइडिया, जैसे हैप्पी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब क्या आपका ऑब्स्ट्रक्ट है। चलिए अब एक सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है ओ दैट कम सून, यानी हे मौत, हे मृत्यु, आप जल्दी से आ जाइए। अब मौत क्या मतलब क्या है, मौत ऐसा थोड़ा ना है कि मौत कोई इंसान है उसको हम बुला रहे हैं कि आ जाइए, लेकिन मौत को हम क्या करें एड्रेस, डायरेक्ट उसको हम एड्रेस करें। ऐसा लग रहा है कि मौत क्या सच में एग्जिस्ट करता है, जैसे हम डायरेक्ट बुला रहे हैं कि हे मौत आ जाइए आप आ जाइए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, वो सच में नहीं आएगा क्योंकि वह वास्तव में मतलब रिस्पॉन्ड वो नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट रिस्पॉन्ड। अगला आपका है फर्लिटी थाई नेम इज ह्यूमन, यानी हे अबला तुम्हारा नाम ही स्त्री है, यानी अबला और स्त्री को बता रहा है कि हे स्त्री तुम्हारा नाम अबला है, या फिर हे अबला तुम्हें स्त्री हो। ठीक है, यहाँ पे अबला को किस चीज़ से यहाँ पे स्त्री को किस चीज़ से संबोधित किया जा रहा है, फर्लिटी से, यानी अबला से, दुर्बल से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। तो फ्रेंड्स अगला है हमारा ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभासी। इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग चीज़ रहेंगे, जिसको हम एक ही चीज़ रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे, उसको हम दो क्वालिटीज उसको बताएंगे। अब समझिए डिफिनेशन इसके, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर गिवन टू द सेम थिंग, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में एक चीज़ के दो क्वालिटीज होंगे, वो भी दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे, या फिर इसका एक और डिफिनेशन है, आपको जो बेटर लगे आप उसे याद कर लीजिएगा। तो आपका फ्रेंड एक और इसका डेफिनेशन है, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच पेयरिंग टू वर्ड्स टुगेदर दैट आर अपोजिंग आर कंट्रडिक्टरी। समझिए अपोजिंग मतलब क्या, अपोजिट वर्ड, और कंट्रडिक्टरी मतलब क्या है, विरोधाभास, सेम चीज़ है और मैंने लगा रखा है। यानी ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक चीज़ को दो चीज़ के रूप में बताया जाता है, यानी एक वस्तु की दो खूबियाँ बताई जाती हैं। एक मतलब ऐसा चीज़ रहेगा जिसमें एक चीज़ को अच्छा भी बताया जाए, जिस माने कि अच्छा भी है और ख़राब भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, या तो कोई चीज़ अच्छा होगा या फिर ख़राब होगा, लेकिन हम क्या करेंगे एक चीज़ को हम दो के रूप में बताएंगे, दो क्वालिटीज उसकी बताएंगे। हम एग्जांपल देखते हैं इसका, द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। अब इसमें क्या बोल रहा है, कॉमेडियन जो है वो सीरियसली फनी था। अब भाई कॉमेडियन या तो सीरियसली हो सकता है, भाई कॉमेडियन ये तो फनी ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है सीरियसली, यानी कॉमेडियन जो था वो सीरियसली फनी था। सीरियस आप जानते हैं सीरियस क्या है, बहुत तब यूज किया जाता है जब कोई चीज़ सीरियस रहता है वास्तव में, लेकिन यहाँ पे फनी के साथ सीरियसली यूज किया जा रहा है, जो कि दोनों विपरीत शब्द हैं। और किसके लिए यूज किया जा रहा है, कॉमेडियन के लिए, तो दोनों विपरीत शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है, कॉमेडियन के लिए। इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है लाइफ इज बेटर स्वीट, जीवन एक कड़वा मीठा है, स्वीट है। तो इसमें देखिए बेटर भी है और स्वीट भी है, बेटर भी है और स्वीट भी है, या तो जीवन कड़वा हो सकता है या फिर मीठा हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों को बताया गया, और किसके लिए बताया जा रहा है, लाइफ के लिए बताया जा रहा है। इन दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों में विरोध है, लेकिन दोनों को एक ही चीज़ से तुलना किया जा रही है, लाइफ से तुलना किया जा रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले भी कहा अभी भी कह रही हूँ कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट चेक करती हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले, यानी अतिशोक्ति अलंकार। इसमें क्या होगा, चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, या तो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा ही देंगे या फिर एकदम उसको घटा ही देंगे। समझिए इसके डिफिनेशन से, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर आर रोज, रोज मतलब होता है बुरा, बेटर मतलब अच्छा, देन दे रियली आर, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में हम किसी चीज़ को उसके रियलिटी से क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे या फिर बहुत छोटा बना देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे फिर बहुत ख़राब बना देंगे, यानी क्या करेंगे किसी भी चीज़ को हम इसमें बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। चलिए अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप का, आई टोल्ड यू 1000 times अबाउट दिस, यानी मैं तुमसे एक ही बात 1000 कह चुकी हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको 20 मैं आपको 1000 बता चुकी हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब मैं आपसे ज़्यादा ज़्यादा 20 बोली होंगी कि फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ कि मैंने फिगर ऑफ स्पीच को मैंने बताया है, मैंने 1000 बता दिया है कि फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर, यानी मैं उसके लिए पर्वत हिला दूंगा, ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा, पता नहीं ईंटा हिलेगा कि नहीं हिलेगा, माउंटेन जल्दी हिलाने एवरेस्ट, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मैंने अतिशोक्ति हो जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, ये बोलते ईंटा हिला देंगे, या फिर मैंने बोल दिया कि 20 मैंने बोला है तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने 1000 बोल दिया, इतनी देर मैंने 1000 कैसे बोल दिया भाई, तो ये क्या हो गया, अतिशोक्ति है, मैंने बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है चीज़ों को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फिगर ऑफ स्पीच पे।
तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। इसमें क्या होता है समझिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट सम मीनिंग्स आर सेंस, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में आपको एक पार्टिकुलर साउंड दिया रहेगा जो आपको कोई मीनिंग देगा, फिर कोई सेंस देगा या कुछ बताएगा कि हाँ ये जो साउंड है ये इस पार्टिकुलर पर्सन की है, इसकी है। फॉर एग्जाम्पल स्नैक हिसिंग, इन जो सांप है वो हिशिंग करते हैं, कैट म्यू करती है। तो समझिए आप, ऐसा तो नहीं है ना कि म्यू करेगी तो आपको बताना पड़ेगा कि बिल्ली की आवाज़ है, नहीं आप समझ जाएंगे कि म्यू करेगी तो किसकी आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है, हिशिंग है तो स्नैक की आवाज़, यानी कि एक पार्टिकुलर आपको एक साउंड दिया रहेगा जो आपको एक पार्टिकुलर मीनिंग देगा। तो ये होता है ऑन्टिफोबिया यानी ध्वनि सूचक। तो आई होप आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।